जी हाँ, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी के समय में जो है एग्जाम में अधिक नंबर लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी जॉब में जाते हैं उस जॉब में नंबर काउंट होता है आपका। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या आगे जहाँ तक आप पढ़ाई करते हैं सभी अंक उसमें ऐड होते हैं, तो इसलिए मार्क्स लाना हम लोगों को अति आवश्यक है। आप फोकस मार्क्स पर भी करें। देखिए, ये कहा जाता है कि हम लोगों को मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, और जिसके पास नॉलेज होता है तो वह मार्क्स भी ले आता है। और मार्क्स लाना, एक टारगेट बनाना मार्क्स लाने के लिए अति आवश्यक है। आपको मालूम होगा कि ज़्यादा पढ़ने वाले हो या फिर कम, रिजल्ट तो सबको चाहिए, पर समस्या यह है कि ऐसी कौन सी प्लानिंग करें ताकि बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। यह प्रश्न लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के मन में होता है, इसलिए एग्जाम के तैयारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण मैट्रिक्स आपको बताऊंगा। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट फाइनल एग्जाम्स का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए कि एग्जाम की टाइम नज़दीक आ रहा होता है और उनकी पढ़ाई और सिलेबस या उनका रिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ होता है, जिससे वो परेशान होने लगते हैं और उनके पढ़ने की टाइम और मनोबल दोनों कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप वो जल्दी जल्दी परीक्षा की तैयारी करने के लिए नोट्स, गेस पेपर आदि के पीछे भागने लगते हैं। नोट्स और गेस पेपर में उन्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसका उन्हें अभ्यास नहीं होता है और डरने लगते हैं, यार मैंने ऐसे क्वेश्चन की तैयारी ही नहीं की है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। उनके ऐसे विचार से उनका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों कम हो जाता है। एग्जाम की तैयारी कैसे करें और आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स एवं गाइडलाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो अंतिम तक आप देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जरूरी टिप्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। टिप्स नंबर 1, टाइम्स टेबल। देखिए, आपका टाइम टेबल होना जरूरी है। आप रीडिंग करते हैं किस समय किस सिलेबस को पढ़ना है और कौन सा राइट टाइम है हमारे लिए पढ़ने का, तो टाइम टेबल होना आपके लिए अति आवश्यक है। टिप्स नंबर 2, परफॉर्मेंस एनालिसिस करें। तो देखो, किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं एनालिसिस के साथ हम लोगों को उसे पढ़ना चाहिए। टिप्स नंबर 3, पूरी नींद और ब्रेक लें, यानी जब आप पढ़ते हैं लगातार अगर आप पढ़ते रहते हैं पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, इसलिए पूरी नींद और ब्रेक लेना आवश्यक है आपके लिए। टिप्स नंबर 4, रिवीजन करें। आप जिस भी चीज़ों को पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन करना आवश्यक है। टिप्स नंबर 5, सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करें कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसको कब पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको। टिप्स नंबर 6, तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे कॉपी में लिखेंगे कि जिससे आपको एग्जामिनर अत्यधिक नंबर दे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।